प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को ए डॉट बी को, ठीक है दोबारा से कर दिया ना, ए डॉट बी और ए बी कॉस थीटा, ठीक है तो ए डॉट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट कोई स्पेशल चीज़ होती है, ए बी कॉस थीटा को शॉर्ट में लिखने का ही मेथड है ए डॉट बी, ठीक है जस्ट ए बी कॉस थीटा इज जस्ट अ शॉर्ट हैंड वे टू राइट डाउन ए डॉट बी, ठीक है। तो ई डी एस कॉस थीटा से फ्लक्स मेजर होता है इसलिए हमने इसको ई डॉट डी एस लिख दिया, एफ एस कॉस थीटा से वर्क मेजर होता है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो वैसे ही ए क्रॉस बी भी आपको मालूम है क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थोड़ा सा इसके बारे में एक बार याद करते हैं दैट व्हाट ए क्रॉस बी मीन्स। तो ए क्रॉस बी को आपने देखो बिकॉज ए डॉट बी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी है बट ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस वेक्टर, क्योंकि जो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे इसके अंदर, तो सिर्फ मतलब वी डोंट नीड टू हैव अ डायरेक्शन टू गिव टू ए डॉट बी, इसके तो कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये वैक्टर ही नहीं है, ठीक है ये वैक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड किससे मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड इससे मिलता है, ठीक है। अगर प्लेन में दो वैक्टर हैं तो साइन थीटा कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए बी साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन किससे आ जाएगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एन कैप, डायरेक्शन के लिए लगाते हैं हम एन कैप। तो एन कैप इज अ यूनिट वैक्टर हुज डायरेक्शन इज फिक्स्ड बाय द राइट हैंड रूल, ये तो सबको याद है। एन कैप की डायरेक्शन कैसे फिक्सअप करते हैं, राइट हैंड रूल से। मतलब अगर हम सपोज इस बोर्ड के प्लेन में दो वेक्टर्स बनाते हैं, लेट्स से वी ड्रॉ टू वेक्टर्स इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये आपके पास सपोज ए है और ये सपोज बी है, ये ए और बी है, और सपोज इन दोनों के बीच में कुछ भी एंगल है लेट्स से थीटा, तो देन एन कैप की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, राइट हैंड रूल से। तो आप अपना राइट हैंड लोगे और पहले क्या वेक्टर है ए, ए से लेके बी तक फिंगर्स को घुमाओगे, ठीक है तो वो थंब इस तरफ आ जाएगा, ठीक है थंब कम्स इन दिस डायरेक्शन, ए से लेके बी तक अगर हम फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब इस तरफ आएगा, तो एन कैप इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एन कैप इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो बिकॉज आई कांट ड्रॉ हेयर बट यू विल यू शुड हैव अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। अब ये अजीब सी चीज़ लग रही है, इसकी फिजिक्स में क्या यूज़ हो सकती है, ठीक है जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ये वाली वेक्टर का क्या यूज़ हो सकता है, तो इसको हमने आपको बताया था लास्ट क्लास इलेवंथ क्लास में। तो लेट्स इमेजिन कि आपके पास कोई ऐसे, सबसे अच्छा तरीका ये इसको डोर से समझना, सपोज आपके पास एक डोर है ऐसे, इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं, एंड लेट सपोज कि ये यहाँ पे उस डोर के हिंजेस लगे हुए हैं, मतलब यहाँ तो वो दीवार के साथ फिक्स्ड है, फिक्स्ड विद द वॉल, और यहाँ पे डोर का हैंडल है, ठीक है। तो हाउ डू वी यूज़ ए क्रॉस बी, ठीक है तो वो आपने किया बेटा लास्ट क्लासेस में। तो अब इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे, ऑन दिस हैंडल वी आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स, ठीक है व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स देन यू नो दैट द डोर कैन बी अफेक्टेड। तो ये आपने पढ़ा है कि फोर्स किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे अगर आपने किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है तो एक इफेक्ट तो फोर्स का होता है कि बॉडी में एक्सेलेशन प्रोड्यूस होती है, वन ऑफ द इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज दैट बॉडी अंडरगोज एक्सेलेशन, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स इज दैट एन एक्सेलेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक है। व्हाट इज द अदर इफेक्ट, तो ये आपको मैंने बताया था कि दूसरे तरीके से कई बार जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब इस डोर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे एज अ होल द डोर डज नॉट मूव एनीवेयर एल्स, इट स्टेज देयर ओनली, बट वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, ये जो ऊपर एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड डोर रोटेशन अंडरगो करता है, इट अंडरगोज अ रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, यही होता है ना डोर के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो सपोज ये जो हैंडल है, अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई, सपोज इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाई हैंडल के ऊपर, तो आपको मालूम है अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो, इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है तो इसका मतलब क्या है, ये इट इज़ समथिंग लाइक दिस, है ना। तो डोर के ऊपर आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नहीं इस तरीके से, तो अगर आप इस डोर के ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके से पुल कर रहे हो, तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये वाला पॉइंट, ठीक है अगर हम इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, ठीक है और इस परपेंडिकुलर के डिस्टेंस की लेंथ को हम आर से डिनोट करते हैं, तो अब इस पॉइंट को अगर हम सॉर्ट ऑफ ओरिजिन मान लें, तो और अगर हम ये वाली वेक्टर बनाएं आर वेक्टर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाली वेक्टर को अगर आप आर वेक्टर बनाते हो, तो देन आर क्रॉस एफ मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, इट इज़ सपोज टू गिव यू द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, यही होता है ना, यही किया था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। आर क्रॉस एफ आपको क्या देता है, वो इस फोर्स की टॉर्क देता है, टॉर्क की वैल्यू। तो जब हम आर क्रॉस एफ करते हैं तो उससे इस फोर्स की टॉर्क मिलती है, ठीक है। और अगर आप देखो इसमें आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, अभी इस डायग्राम में अगर हम चेक करें आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, आर एफ साइन ऑफ जीरो, तो ये कितना बन गया, जीरो बन गया। तो टॉर्क, अगर हम फोर्स को उल्टा लगाते हैं,
ठीक है, अगर हम फोर्स को यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फोर्स में अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ऐसे फोर्स को अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, इवन देन द टॉर्क विल बी जीरो, बिकॉज इफ़ यू जस्ट पुश द डोर लाइक दिस, तो डोर इस एक्सेस के अराउंड घूमना नहीं शुरू करेगा, ये तो किया हुआ है लास्ट ईयर आपने, तो इन दिस केस व्हाट इज़ द टॉर्क, ठीक है, तो अगेन बिकॉज इसमें एंगल कितना है, इसमें एंगल पाई है 180 डिग्रीज, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में कितना एंगल है पाई, तो टॉर्क कितनी आ जाएगी, आर एफ साइन ऑफ पाई, ये कितना आ जाएगा, जीरो, अगेन द टॉर्क बिकम जीरो, ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जीरो बन जाएगा, तो ये तो ईजी है, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम टॉर्क को मेजर करते हैं, और भी जगह क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होता है, अभी उसको सारी जगह पे नहीं देखेंगे, तो जब आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं, तो देन एक चीज़ आपने देख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है, इट कैन बी यूज टू मेजर द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, सो वेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन इन द ऑब्जेक्ट, सिमिलरली वेन यू अप्लाई, देर इज वन मोर इफेक्ट, वेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स कैन प्रोड्यूस अ रोटेशन इन द ऑब्जेक्ट, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज मेजर्ड बाई द टॉर्क, ठीक है, और टॉर्क एफ क्रॉस आर नहीं लेनी है, आर क्रॉस एफ लेनी है, ये तो आप समझ जाओगे, ये तो आ जाएगा सबको समझ में, ठीक है, तो ईजी है, तो ये चीज़ें आई वॉन्टेड टू डू इट इन अ बेटर वे, बट आई एम वेरी वेरी अफेक्टेड बाई मीन्स पीपल नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू बी ऑनेस्ट, आई एम ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट इन ऑल माई डीलिंग्स, यू नेवर सस्पेक्ट मी ऑफ एनीथिंग, इट इज़ नॉट इन माई हैंड दैट आई शुड बी एबल टू चेंज ऑल दी क्लासेज ऑफ एवरी वन, तो चलो एनीवे ये देखना बेटा ए क्रॉस बी, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ए बी साइन थीटा, तो अब हम इसमें डाइपोल को अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये आइडियाज़ को, तो अगर हमारे पास सपोज माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, अब ये एक डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देन सपोज दैट लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू ए, लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू ए, एंड वेन यू अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, सपोज हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं इस तरीके से, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी, ठीक है, सो वी आस्क व्हाट इज़ द टॉर्क ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वी वॉन्ट टू आस्क कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट आएगा इस डाइपोल पे, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, ये डाइपोल की फील्ड नहीं है, डाइपोल के बाहर की फील्ड है, डाइपोल की अपनी भी फील्ड होती है, सो वी हैव जस्ट स्विच्ड ऑन एन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फील्ड इज ई, ठीक है, एंड देन वी आस्क व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड ऑन द डाइपोल, तो ये बिल्कुल ईजी है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे भी कुछ फील्ड है और वहाँ पे फील्ड की वैल्यू है इतनी ई, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी क्यू ई मैग्नीट्यूड की, इनमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी लेकिन अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्यू टाइम्स ई, ठीक है, तो अब एज सुन एज वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के ऊपर दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेज एक्ट कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो देन बट क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेज हैं तो नेट फोर्स तो डाइपोल पे हो गई जीरो, ठीक है, तो ये हमने लास्ट ईयर भी किया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेज एक्ट करती हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आ जाएगी, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस सिस्टम या जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो जैसे ये डाइपोल है, डाइपोल इज यूजली अ मॉलिक्यूल मेनी टाइम्स, ठीक है, दैट नथिंग हैपन्स टू दिस मॉलिक्यूल और डाइपोल, ऐसा नहीं कि डाइपोल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों की जो टॉर्क्स हैं वो कैंसिल आउट नहीं कर रही है, ठीक है, इन दिस केस नेट फोर्स तो दोनों फोर्सेज की जीरो आ रही है, बट यू कैन कंप्यूट द नेट टॉर्क ऑफ दीज टू फोर्सेज, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनके अंदर टॉर्क आएगी इन दोनों फोर्सेज की, तो वो कैसे आएगी, आप उसकी टॉर्क की एक एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए आप ऐसे समझो इसको, ये वाली जो फोर्स है हाउ मच इज द टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, तो एक तरीका इसको समझने का ये है कि अगर हम यहाँ पर ऐसे इमेजिन करें, लेट सपोज कि यहाँ पर मैं ऐसे एक एक्सिस इमेजिन कर लेता हूँ, लेट से ये जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, इसके थ्रू जो स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करे इसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, और आप इस फोर्स की टॉर्क इस एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट करके देखो, मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें, ये जो चीज़ है दिस थिंग इज आर वैक्टर, ये आर वैक्टर है, ठीक है, अगर आप समझ रहे हो तो ये आर वैक्टर है, ये एफ वैक्टर है, ठीक है, तो इस आर वैक्टर को अगर हम आगे स्लाइड कर दें तो ये आर वैक्टर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो अब इससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि R क्रॉस F की वैल्यू कितनी आएगी, इस फोर्स की टॉर्क इस एक्सिस के अराउंड निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, ये इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, और R क्रॉस F कितना आएगा, इस फोर्स की टॉर्क, अब देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है आपके पास थीटा, ठीक है, अब तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ले लेंगे, तो
बाकी आप अभी और भी नहीं बनाएंगे इसमें एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी थीटा हो जाएंगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो फिर हम इसकी टॉर्क भी निकाल लेंगे, इस फोर्स की टॉर्क, उसके लिए ये आर वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप आगे स्लाइड करते हो तो ये ऐसे आ जाएगा, और फिर ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, ये थीटा है तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन के थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब दो टॉर्क्स लगेंगी इस एक्सिस के अराउंड, इस फोर्स की भी टॉर्क लगेगी और इस फोर्स की भी टॉर्क लगेगी, ठीक है। दोनों टॉर्क्स को अलग अलग निकाल लेंगे, जो नेट टॉर्क आनी चाहिए वो दोनों टॉर्क्स का वेक्टर सम आएगी, दोनों टॉर्क्स का वेक्टर सम। तो पहले हम इसकी टॉर्क निकालते हैं, तो इसकी टॉर्क निकालने के लिए इसकी लेंथ कितनी आएगी, अब इसकी लेंथ तो आएगी ए, बिकॉज दिस इज हाउ मच ए, तो ये आर का मैग्नीट्यूड, अगर हम फर्स्ट टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा, क्योंकि आर क्रॉस एफ। और इस फोर्स की डायरेक्शन, तो देखो आप आर क्रॉस एफ इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे देखनी है आर से एफ तक, तो थंब गोज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो टॉर्क वेक्टर पिछले रूम में चलेगी, ठीक है। बट जो टॉर्क है वो टर्निंग इफेक्ट कॉज करती है, तो उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कैसे आएगा, अगर फोर्स वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर और पिछले रूम में चलेगी तो टॉर्क की जो वजह से जो रोटेशन आएगी वो ऐसे आएगी जैसे मेरे राइट हैंड की फिंगर्स घूम रही है, तो मतलब ये इसकी टॉर्क डाइपोल को ऐसे घुमा रही है, इस सेंस में ऐसे घुमा रही है। द रोटेशन प्रोड्यूस बाय द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, ठीक है, इट विल कॉज द रोटेशन ऑफ द डाइपोल इन दिस मैनर, इस तरीके से घुमाएगी। और इस फोर्स की टॉर्क इस एक्सिस के अराउंड कैसे घुमाएगी डाइपोल को, ठीक है। तो उसमें आपको ये लेना आर क्रॉस एफ, ठीक है ना, ये आर वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ। अब आप देखो इसकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या कुछ और है, इसकी भी डायरेक्शन वही है आर क्रॉस एफ, अगेन द टॉर्क गोज इन टू दैट रूम, तो ये टॉर्क भी डाइपोल को, क्योंकि राइट हैंड की फिंगर्स कैसे घूम रही है उससे देखना है कि कैसे रोटेट करेगी टॉर्क। तो ये आपके पास फर्स्ट टॉर्क की वजह से भी वही रोटेशन, तो दोनों टॉर्क्स एक ही डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर आपको नेट टॉर्क निकालनी है तो आपको सिंपली इन दोनों टॉर्क्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो फर्स्ट टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना है, सेकंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो वो भी आर, ये आ जाएगा ए, ठीक है। और आर एफ साइन थीटा दोबारा से कैलकुलेट करोगे, ये आर है ना और ये एफ है, तो साइन थीटा तो उतना ही आएगा, ए क्यू ई साइन ऑफ थीटा, तो जो टोटल टॉर्क आ जाएगी नेट टॉर्क, ये नेट टॉर्क वो इतनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टू ए क्यू पी साइन थीटा ये बन जाएगा, और टू ए क्यू क्या है पी, ठीक है, तो पी ई साइन थीटा, ये नेट टॉर्क आ गई। तो नेट टॉर्क निकालने का एक ईजी मेथड क्या है, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस वैक्टर, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस वैक्टर, ठीक है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप जब डाइपोल का रखते हो, अगर डाइपोल का मैग्नेट डाइपोल मोमेंट है पी, तो पी क्रॉस ई जब हम करते हैं तो आपको नेट टॉर्क ऑन दी डाइपोल मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपने डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो नेट फोर्स तो डाइपोल के ऊपर जीरो हो गई, ठीक है, लेकिन जो नेट टॉर्क है वो उस इक्वेशन से मिलेगी, ठीक है। और इसकी आप डायरेक्शन चेक करो, अभी देखना इसमें हमने आर्ग्यू नहीं किया, अगर हम इसमें डायरेक्शन चेक करते हैं इसकी, पी ई साइन थीटा की डायरेक्शन देखना क्या आएगी, ये पी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है ना, तो पी क्रॉस ई किस डायरेक्शन में आएगा, वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा, दैट इज़ वाई वी कैन राइट दैट रिजल्ट लाइक दिस। वो गलती से मैंने वो पहले लिख दिया, आई वॉन्टेड टू से कि अगर आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस डाइपोल के ऊपर जो नेट टॉर्क लगती है वो इस फॉर्मूले से आती है, ठीक है। और अगर हम पी क्रॉस ई की डायरेक्शन चेक करते हैं, पी वेक्टर और ई वेक्टर, तो वो भी वही डायरेक्शन है जो इन दोनों टॉर्क्स की डायरेक्शन है, तो क्योंकि उस टॉर्क की वही डायरेक्शन है तो इस टॉर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ई वेक्टर, समझ में आ जाएगा, पी क्रॉस ई, इसको हम ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते बिकॉज ई क्रॉस पी विल बी ऑपोजिट, वो ऑपोजिट तरीके से आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आएगा। तो ये बिल्कुल ईजी है टॉर्क कैसे निकालनी है आपको, ठीक है। अब इसमें से हम दो तीन चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे कई क्वेश्चन आते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, जब आप ये वाला आर्टिकल करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये क्वेश्चन आता है दैट टॉर्क और थीटा के बीच में एंगल के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, सपोज आपने एक गिवन डाइपोल को एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्राफ विल यू गेट फॉर बिटवीन टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड एंगल थीटा, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आएगा इस तरीके से, ठीक, टॉर्क और थीटा के बीच में ग्राफ, क्योंकि ये जो पी और ई तो कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का जैसा ग्राफ होता है वही टॉर्क का ग्राफ आएगा। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कई बार, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, तो आप देखो अगर थीटा एंगल जीरो है, ठीक है, तो टॉर्क कितनी बन जाएगी डाइपोल के ऊपर, जीरो, और थीटा एंगल अगर 180 डिग्रीज है तो भी टॉर्क कितनी बन जाएगी, जीरो। सो देयर आर टू ओरिएंटेशंस फॉर द डाइपोल इन विच द टॉर्क बिकम जीरो, मतलब
नेट फोर्स तो हर ओरिएंटेशन में जीरो है पहले से ही, क्योंकि दो इक्वल मैग्नीट्यूड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज एक्ट कर रही है. नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो ऑन द डाइपोल इन ऑल ओरिएंटेशन. ठीक है, तो जैसे ये आपके पास है, ये से ये डाइपोल है और यहाँ पे आपने रख ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दो चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू. ठीक है, ये आपके पास. तो अब इस ओरिएंटेशन में देखो, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है. और इस केस में मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया इसको, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है. ठीक है ना, तो अब इस केस में ये आपके पास आ जाएगा पी वेक्टर. ठीक है ना, तो इसमें आप देखो टॉर्क वेक्टर, इसमें कितनी टॉर्क आएगी, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट, इसमें एंगल कितना है 180 डिग्रीज, इसमें एंगल कितना है जीरो. ठीक है, तो इसमें दो ओरिएंटेशन है डाइपोल की, मतलब दो ऐसे ओरिएंटेशन है डाइपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें टॉर्क जीरो आती है. तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखो, वी हैड टॉक्ड इन लास्ट ईयर अबाउट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन द नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क आर जीरो. तो ये दोनों डाइपोल की इक्विलिब्रियम की पोजीशंस बोलते हैं इनको. बाकी पोजीशन में नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम की पोजीशंस क्यों नहीं है? क्योंकि नेट टॉर्क जीरो नहीं है उन पोजीशन में, नेट टॉर्क जीरो के इक्वल नहीं आती. इसमें नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है दो पोजीशंस के लिए. लेकिन इसको हम बोलते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल बोलते हैं, अनस्टेबल. व्हाई वी कॉल दिस इक्विलिब्रियम एज स्टेबल? ठीक है, बिकॉज अगर हम इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लेट सपोज इस डाइपोल को हमने थोड़ा सा लेट से थीटा एंगल से डिस्टर्ब कर दिया. सपोज वी डिस्टर्ब दिस डाइपोल बाय एन एंगल थीटा. ठीक है, देन व्हाट हैपेंस? तो इसको हम इससे कंपेयर करते हैं कि सपोज आपके पास बाउल में यहाँ पे एक मार्बल रखा हुआ है, तो ये मार्बल के इक्विलिब्रियम की पोजीशन है. तो अगर आपने मार्बल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, सो लेट सपोज वी डिस्प्लेस द मार्बल ऑन टू वन साइड एंड लीव इट, विच वे द मार्बल गोज, तो क्या मार्बल वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन की तरफ आएगा कि नहीं? हमने मार्बल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो मार्बल वापस आएगा. तो अगर किसी भी इक्विलिब्रियम में सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, अगर सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ जाता है, तो उस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल बोलते हैं. तो यहाँ से जब हमने डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो टॉर्क किस तरह से लगेगी? देखना, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई का मतलब ये पी ये ई, तो ऐसे लगेगी वो टॉर्क. मतलब वो टॉर्क वापस डाइपोल को इक्विलिब्रियम की पोजीशन की तरफ लाएगी. ठीक है, आपने डाइपोल को ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो टॉर्क ऐसे लगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो वापस डाइपोल को उसी तरफ लाएगी जिस तरफ वो पहले था. ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन? ठीक है, इस सिचुएशन में क्या आएगा? ये अगर आपके पास ऐसे है, ये पी है ना, और वो ई वेक्टर है, तो इस केस में डी टॉर्क इस सेंस में लगेगी पी क्रॉस ई. सपोज इसको हमने थोड़े से एंगल से डिस्टर्ब किया, तो पी क्रॉस ई तो वैसे लगेगी पी क्रॉस ई. तो दिस टॉर्क, इफ यू लीव द डाइपोल हेयर, तो दिस टॉर्क विल रोटेट द डाइपोल इन द अदर डायरेक्शन. वापस नहीं आएगा डाइपोल, डाइपोल तो पी क्रॉस ई, क्योंकि टॉर्क विल टेक द डाइपोल इन दिस वे, टॉर्क विल टेक द डाइपोल इन दिस वे. तो अगर हम इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते, तो टॉर्क वापस डाइपोल को घुमा के दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगी. समझ में? तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो इसको हम इससे कंपेयर करते हैं. ठीक है, अगर आपके पास एक बाउल है, अब ये बाउल ऐसे नहीं रखी है, इस बाउल को इन्वर्ट करके रखते हैं, ऐसे उल्टी रखी है बाउल, और इसके ऊपर आपने एक मार्बल को रखा. अभी ये मार्बल के लिए इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, वी कैन बैलेंस द मार्बल हेयर. बट नाउ सपोज वी डिस्टर्ब द मार्बल स्लाइटली, ब्रिंग इट हेयर, यहाँ पे लाके हम मार्बल को छोड़ देते हैं, व्हाट हैपेंस? विल द मार्बल कम बैक? ठीक है, तो इट विल नॉट कम बैक, इट विल जस्ट फॉल इन द अदर डायरेक्शन. तो दैट इज बिकॉज द मार्बल डिविएट्स अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा मार्बल के लिए. ठीक है, तो ये आप याद रखो, डाइपोल के लिए दो एक ऐसी ओरिएंटेशन है जिसमें डाइपोल इक्विलिब्रियम में होता है. इजी है बेटा, बताओ ये. ठीक है, बिल्कुल इजी है. ठीक है, तो आई प्लान फॉर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो, बट थोड़ी बहुत चीज़ें कर पाएंगे इस क्लास में, तो लेट अस कवर दैट. ये तो हो गया बेटा. ठीक है, अब ये बिल्कुल इजी चीज़ है, मैंने आपको कल बता दी थी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट कंप्लीटिंग ऑल दी थिंग्स, ठीक है, वो मैं आपको एक बार करा देता हूँ. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है,
I suspect that we are doing world class work and my students are proving it. Other guys don't suspect that they are doing world class work at all. That is why they have no backup plan, no, they create tension in the mind of students. Hamare liye koi problem nahi hai. If you miss any lecture, you can just get send me a text. ठीक है. If possible, I will do it in case I am alive. ठीक है. तो superposition principle क्या है? I get affected a lot when parents call me for silly things. Please don't have them call me, or neither you get affected. It is not something which you have to worry about. You have to worry about preparing notes, solving problems, attending the classes. In case you miss something, then seek some help from your friend, then come to me. ये आपकी worry होनी चाहिए. Don't worry about stupid things. ठीक है. आई फेल्ट मतलब क्योंकि मेरे जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं दे नो दैट आई विल टेक केयर ऑफ देम. नेवर फेल्ट दैट दैट समथिंग विल बी लॉस्ट. इज नॉट लाइक यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री गाय और मीन्स बायोलॉजी गाय हु डोंट इवन बॉदर के भी हमारे बच्चों की क्लास मिस हो रही है. आपकी क्लास मेरे पास मिस होगी, मैं बैकअप दूंगा. सिंपल. ठीक है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है. एंड एनी ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग विद मी दे आर सेम फॉर मी. इन केस ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा, दूसरे के लिए नहीं करूंगा. तो आई मेक माई एफर्ट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स इन माई वे. ठीक है. तो आप उसकी चिंता नहीं करना बेटा. तो बिकॉज मुझे फिर ये वरी होती है कि दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई मी एज अ पर्सन. इन केस यू आर आस्किंग मी कि सर हाउ वी विल मैनेज द क्लास, हमारी मिस हो जाएगी, पेरेंट्स कॉल करें. इन दैट मीन्स यू डोंट मीन्स आप नहीं समझ पाए हो कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, वट काइंड ऑफ टीचिंग आई डू एंड हाउ आई डील विद अदर ह्यूमन बींग्स. You have not been able to understand that in last 1 year studying with me. So I feel very bad. So that is the reason for me getting affected by these things. Because all my students, they know me. Even though I can call them at any time, they can call me at any time. Whoever past students were there. And we don't bother. Okay, so aap bilkul chinta na karo. So superposition principle mein kaise beta? Dekhna, ye humne kal already kiya tha. Ki agar aapke paas ek square hai. That is why main kisi bhi student ko bada bluntly bhi mana kar deta hoon. ये सोच के कि द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट सर ने मना किया है, सर के लिए पॉसिबल नहीं होगा. कर देता हूँ कि नहीं वैभव कितनी बार तो, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल नॉट फील बैड. सो यू डोंट फील बैड. ठीक है. समझ में आ रहा है ना आपको. आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर लाइफ. ठीक है. दैट यू ट्रस्ट समवन एंड देन यू मूव विद दोस गाइस. तो आप देखना बेटा ये ऐसे आ रहा है. तो बिल्कुल ही ईजी है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल ईजी चीज़ है. कल आपको मैंने बता दिया था. ठीक है. किसी के फ़ोन करने से मैं कुछ नहीं चेंज कर पाऊंगा, अपने आप से मैं सब कुछ चेंज करता हूँ ऑलरेडी. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आपके पास एक स्क्वायर है सपोज़ या ट्रायंगल है, तो यहाँ पे सपोज़ हमने एक चार रख दिया क्यू, यहाँ पे एक चार रख दिया माइनस क्यू, यहाँ पे रख दिया हमने टू क्यू, और यहाँ पे रख दिया फिर माइनस क्यू. तो अब ये डिस्क्रीट सिस्टम है चार्जेस का. ठीक है. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑलरेडी वेरी इजी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है. कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सपोज हम कहते हैं कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सेंटर के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है. सपोज इस पॉइंट के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है. लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ. कंप्यूट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब चार चार्जेस हैं तो इन चार्जेस को हम लेबल कर सकते हैं 1, 2, 3. ठीक है. 4. तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओ पॉइंट पर कितनी आ जाएगी, वट विल बी टोटल. तो ये हमने कल किया था ऑलरेडी विदाउट एनी प्रूफ कुछ स्टेट करने की. हम सबकी इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे बस. ठीक है. और इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ऐड करते समय आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी. अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है लेट सपोज. ठीक है. तो इसकी पोटेंशियल यहाँ पे आएगी के क्यू, इसके साथ प्लस साइन आ गया राइट. और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस ए बाई रूट टू. स्क्वायर में ये डिस्टेंस ए बाई रूट टू आ जाएगा, ए बाई रूट टू. ठीक है ना. और आप रूट टू को ऊपर भी लिख सकते हो. वी टू कितना आ जाएगा उसकी पोटेंशियल. ठीक है. वो उसमें आप क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस के क्यू बाई दिस डिस्टेंस ए बाई रूट टू ये आ जाएगा. ठीक है. वी थ्री कितना आ जाएगा ये वाला. ठीक है. वो भी सेम आ जाएगा माइनस के क्यू बाई ए बाई रूट टू. और ऐसे ही यहाँ पे है ना. तो इसमें प्लस टू के क्यू. तो मतलब जो प्लस साइन है उसके साथ प्लस आना चाहिए, जो माइनस साइन है वो माइनस आएगा. ये तो आ जाएगा बेटा ईजीली. ठीक है. बिल्कुल ईजी है. तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इसमें ट्रायंगल वाला करने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन चलो अभी मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपसे. सपोज़ यहाँ पर क्यू है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे माइनस टू क्यू है. तो पोटेंशियल कितनी आ जाएगी वैभव सेंटर के ऊपर. ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ कितनी पोटेंशियल आ जाएगी. ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंसेस सारे इक्वल हैं बाईसिमेट्री. तो इन दोनों की पोटेंशियल उससे बैलेंस हो जाएगी. बिल्कुल ईजी है. तो इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं.
अब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट वो चलो हम कल करेंगे थोड़ा सा ना, वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस टुमारो. तो बिकॉज वी आर एट अ पॉइंट वेयर वी डोंट हैव एनी अदर थिंग्स टू डू, अदरवाइज आई वॉज प्लानिंग टू डू एनसीईआरटी, दैट इज वाई आईड ओपन दीज चैप्टर्स ऑल्सो, बट आई माई सेल्फ डोंट कम प्लान विद एनी थिंग, आई जस्ट गो अलॉन्ग जो भी होता है ना. टीचर के ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर वो आपको कहे कि बेटा बैकअप दूंगा और एक साल भी बैकअप ना दे पाए, स्टिल यू स्टिल गो ऑन दी 366 डे. इफ यू कांट ट्रस्ट समवन लाइक दैट, देन यू डोंट बी फ्रेंड्स विद दोज गाइज. बी बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू फ्रेंड पीपल हु आर नॉट लाइक दैट. बी फ्रेंड्स विद पीपल हुम यू कैन ट्रस्ट दैट मच, अंडरस्टूड? अदरवाइज गिव लेस टाइम टू अदर पीपल इन लाइफ, एंड देर आर सच पीपल, यू हैव टू फाइंड आउट. बिकॉज इफ यू योर सेल्फ आर रेडी टू बी लाइक दैट, then other people will be like that with you. Are you getting it? आपको भी वैसी service उनको देनी है, वो भी आपको वैसे. So I always tell the people, life is a journey in which we all like are moving like passengers. So there is a passenger who is always ready to give his orange to you. You can also give your chocolate. ठीक है? So there is no reason why you should do that. Is there any reason? Religious reason or some other? There is no reason. We have to be kind to each other. Only thing is that. चलो anyway देखना बेटा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं. देखो ये अब आपके पास आया. अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें, तो ये थोड़ा सा ना हार्ड आर्टिकल है, तो इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं. तो अब देखना, ये आपके पास एक मैंने जेड एक्सिस की तरह से कोई स्ट्रेट लाइन बना दी. सपोज इज एन एक्सिस, आप जेड एक्सिस इमेजिन कर लो, वो ईजी होता है हमेशा. यहाँ पर आपने ओरिजिन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो गया. ठीक है, और ये सपोज कोई भी पॉइंट है, लेट्स से पी. ठीक है, और सपोज ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है. तो सबसे इजी केस में ये डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, 2a. तो अगर हम इस पॉइंट को a और इस पॉइंट को b लेबल करते हैं, तो ये डिस्टेंस o से लेके a भी a आ जाएगा, और o से लेके b तक का डिस्टेंस भी a आ जाएगा. एंड सपोज इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये डिस्टेंस है स्मॉल r. ठीक है, तो op इज स्मॉल r, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो इसमें हम जो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया था, अब ये डाइपोल है, तो डाइपोल की वजह से हमें p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है. We have to compute the electric potential at the point P due to the dipole. So total potential at the point P, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें दोनों charges की potential का sum लेना है आपको. पहले हम negative charge की potential निकाल देंगे P point पर, और फिर हम positive charge की potential निकाल देंगे. लेकिन positive charge का जो distance है वो आपको दिया नहीं हुआ है, negative charge का जो distance है वो भी आपको नहीं दिया हुआ है. तो let us assume this distance to be R1 and this distance to be R2. Then we have to remove R1 and R2 from the final means expression, because हमें R और theta और A की terms में answer निकालना है. Given क्या है, Q, A, theta and R. R1 R2 हमने अपने आप से introduce किया. ठीक है, तो क्या expression आएगी बताओ? Negative charge की वजह से आपके पास आएगा minus K Q upon ये वाला distance लेना चाहिए आपको R2, है ना, minus K Q upon R2. और plus charge की वजह से आ जाएगा K Q upon R1. अब R1 और R2 के लिए एक्सप्रेशंस लिखनी है आपको. ठीक है, हाउ विल यू राइट एक्सप्रेशन फॉर R1 एंड R2? तो एक रूल है जो नॉन मेडिकल के बच्चों को भी शायद पता नहीं कितना मालूम है, उन्होंने किया होगा तो मालूम होगा. तो ये वाला जो ट्राइंगल है, अभी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन जो रूल है वो हर ट्राइंगल में एप्लीकेबल है. रूल ऐसे बेटा देखना, अब ये वाला जो एंगल है ये ए और आर साइड में इंक्लूड है, ए और आर साइड में इंक्लूड है. तो मैं ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस ऑफ थीटा. ये जो रूल है उसको हम बोलते हैं कोसाइन रूल. वी आर नॉट प्रूविंग इट. ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इंक्लूडेड एंगल है ना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर. इसको ऐसे लिखना. ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, देर इज नो अदर वे. सिमिलरली इस ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू आर टू स्क्वेयर. मतलब थीटा के ऑपोजिट साइड यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा. इन दोनों को यूज़ करके हम आर वन और आर टू की वैल्यूज निकालेंगे. इस इक्वेशन को यूज़ करके आर वन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और आर टू की वैल्यू यहाँ से निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, और उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को वो आंसर मिलेगा जो अभी इसमें हमें चाहिए होता है. तो अब इसमें देखो, सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये याद रखेंगे, ए इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू आर. A is very very less as compared to R. Most of the times ये dipole है, ये ऐसा होता है कि जो R distance है वो बहुत ज़्यादा होता है A से. तो इसमें A square को हम छोड़ सकते हैं, R square plus A square में से A square को हम छोड़ सकते हैं.
तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, आर वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर को अगर आपने लीव आउट कर दिया तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और इसमें से भी ए स्क्वायर को अगर आपने लीव आउट कर दिया तो आर टू स्क्वायर, ये सिर्फ रट्टे का आर्टिकल आप एक बार समझ लो, इसमें क्या आएगा बेटा, ये आपके पास आएगा आर स्क्वायर, अब ये माइनस टू ए आर कॉस थीटा है, तो कॉस 180 माइनस थीटा, अमन कितना होता है कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस टू ए आर कॉस थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे आर वन स्क्वायर। अभी भी इसमें हमें वन अपॉन आर वन चाहिए, ये तो आर वन स्क्वायर है, उसमें देखो वन अपॉन आर वन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ी सी स्पेस कम है यहाँ पे, तो आई विल जस्ट ट्राई टू यूज़ दिस स्पेस, ठीक है, देखना बेटा इसको यहाँ से देखो आप ये वाली एक्सप्रेशन को, तो ये आर वन स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसमें से हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर को जब आप कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा माइनस टू, आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ नीचे आर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा, कैन यू सी दैट, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप आर टू स्क्वायर से भी अगर ऐसे ही लिखते हो तो आर टू स्क्वायर में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर वन प्लस टू ए बाई आर कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे कि नहीं, ये वाली एक्सप्रेशन ये बन गई, क्योंकि इसको आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा वही आ जाएगा ना, इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लो वही चीज़ आ जाएगी। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आर वन कितना आएगा, अगर हम दोनों साइड रेज टू द पावर वन बाई टू कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे बचेगा आर, यहाँ पे बचेगा वन बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके पास आर टू, ये आर वन प्लस टू ए बाई आर कॉस थीटा रेज टू द पावर वन बाई टू, ये आ जाएगा, ये आर वन आ गया, ये आर टू आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें वन अपॉन आर वन चाहिए, है ना, वन अपॉन आर वन और वन अपॉन आर टू, ये भी आर वन है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होकर इसकी पावर कितनी बन जाएगी, माइनस वन बाई टू, इसका रेसिप्रोकल होकर बेटा इसकी पावर कितनी बन जाएगी, ये भी वन बाई आर, इसका भी रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल, इसको वन अपॉन करना है ना, तो ये बन जाएगा वन प्लस टू ए बाई आर कॉस थीटा रेज टू द पावर, ये भी माइनस वन बाई टू, दोनों माइनस वन बाई टू हो गए, ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी ये वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मैं बता देता हूँ आपको, अभी इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, याद है ना आपको, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होती है, यहाँ लिख रहा हूँ वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, लेकिन इसको कब यूज़ कर सकते हैं, जब x का मैग्नीट्यूड 1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, पर मैग्नीट्यूड ऑफ x इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, ये सबको समझ में आएगा। अब इसको देखना बेटा, इसको अगर हम करें तो अब यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगानी है, अब इसमें ये 2a by r ये 1 से बहुत कम है, क्योंकि when a इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू r देन a by r इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू 1, तो ये a बाई आर बहुत कम है, इट इज़ समथिंग लाइक 0.0001 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो ये a बाई आर कम होने की वजह से बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेट, तो ये माइनस वन बाई टू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो वन अपॉन आर वन की वैल्यू आएगी वन अपॉन आर, और माइनस वन बाई टू करेंगे तो बेटा ये प्लस a बाई आर कॉस थीटा ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस वन बाई टू इधर लग गया, तो ये प्लस वन बाई टू, ठीक है ना, और वन बाई आर टू कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, माइनस वन बाई टू, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और वन बाई टू में ये टू कैंसिल होकर बन जाएगा माइनस ए बाई आर कॉस थीटा, यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखना इसमें से बेटा ये देखो के और क्यू तो कॉमन आ जाएंगे, आपके पास बचेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यही आएगा, इसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा है, के अपॉन के क्यू को कॉमन लिया, वन अपॉन आर टू और वन अपॉन आर वन, और इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। अब 1 अपॉन आर वन और 1 अपॉन आर टू की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, ये 1 अपॉन आर वन है, ये 1 अपॉन आर टू है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखना क्या आएगा, तो आपके पास आया के क्यू, 1 अपॉन आर वन इज दिस, तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें 1 अपॉन आर वन प्लस ए बाई आर कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस ए बाई आर कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा 1 अपॉन आर टू और 1 अपॉन आर वन, देखो
ठीक है। अब इसमें सिर्फ क्रैम करना है आपको, एक बार आप स्टेप्स देख लो। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हो, वन बाई आर आएगा यहाँ पे, और ये माइनस वन बाई आर वो तो कैंसिल हो गए, ये कितना आएगा ए बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये कितना आएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बाई आर कॉस थीटा। तो जब ये ए बाई आर कॉस थीटा ऐड होगा तो ये टू ए बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा, टू ए बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्यू अंदर चला जाएगा, के की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर देते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, टू ए क्यू इज पी, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक ईजी एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, यही हमें डिराइव करना होता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब बोर्ड एग्जाम में यही वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी इसी से ही हम मॉडिफाई करके और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इससे आप एक्सियल पॉइंट के ऊपर भी निकाल सकते हो, इक्विटोरियल पॉइंट पर भी निकाल सकते हो। इक्विटोरियल पॉइंट पर यहाँ आ जाएंगे, वहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 90, तो पोटेंशियल आ जाएगी जीरो। और एक्सियल पॉइंट के ऊपर थीटा जीरो हो जाएगा मे बी, ठीक है ना, या पाई हो जाएगा जो भी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो पाई हो जाएगा थीटा, इस तरफ आ गए यहाँ पॉइंट आ गए, तो कॉस पाई कितना होता है माइनस वन। और अगर हम यहाँ चले गए तो थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, ये वाली लाइन। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आप याद रखो इन एनी केस, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ वेरी डिस्टेंट पॉइंट। डिस्टेंट देना जरूरी है क्योंकि हमने आर को ए से बहुत ज़्यादा लिया है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस पॉइंट आता है पी कॉस थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे इसमें, पॉइंट चार्ज देखो, जब आप डाइपोल से बहुत दूर चले जाते हो तो हम कई बार डाइपोल को पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। जैसे अगर आप एक चार्ज से दूर चले जाते हो तो वो आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह से अपीयर होता है। सो व्हेन यू गो टू अ वेरी फार ऑफ पॉइंट, व्हेन आर इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए, देन वी टर्म द डाइपोल एज अ पॉइंट डाइपोल। उसके और भी मीनिंग्स हैं डीप, मतलब मुझे हाफ एन आवर लग जाएगा ये एक्सप्लेन करने में कि पॉइंट डाइपोल का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वी विल नॉट गो इनटू दैट। सिंपली ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि ये पॉइंट डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नीचे क्या आता है आर, और पॉइंट डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आ रहा है आर स्क्वायर। अब आप उसमें देखो, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है नीचे आर स्क्वायर, और पॉइंट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है नीचे आर क्यूब। ये हमने किया था पहले, एक्सियल पॉइंट पे और इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है ना, और ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो वी इज फॉर अ पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, फॉर अ पॉइंट डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आ जाएगा बेटा इतना समझ में, ठीक है।